हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज यहाँ पे जो है सो SST का ये तीसरा वीडियो है। दो वीडियो में हमने जो है सो लगभग 11 से 12% जो है सो कंप्लीट कर लिया है, और आज के इस वीडियो में उससे आगे वाला जो भी प्रश्न है उसको जो है सो हम लोग देखने वाले हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे जो है सो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का एक सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं जो कि 30 दिनों तक चलेगा, और ये 30 दिनों में हम जो है सो कम से कम यहाँ पे 100 से लेकर के 150 क्वेश्चंस ये वाला वीडियो सीरीज में कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिएगा वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज का जो यहाँ पे पहला प्रश्न है वो है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसको हम लोग जानते हैं नरेगा के नाम से भी, इसका जो है सो क्या मुख्य उद्देश्य था, इसको जो है सो व्याख्या करना है। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे जो है सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या इसका जो है सो आंसर होगा। तो जो यहाँ पे नरेगा है वो क्या है, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या होता है नरेगा का। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में जो है इसको लाया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा श्रमिकों के साधन अवस्था को सुधारने के लिए जो सो केंद्रीय सरकार ने 2005 ईस्वी को यह अधिनियम पास किया था। ठीक है, ये जो है सो ग्रामीण क्षेत्र में जो रोजगार के अवसर को बढ़ाने तथा श्रमिक के साधन अवस्था को जो है सो सुधारने के उद्देश्य से जो है सो इसको 2005 में केंद्र सरकार के द्वारा इस अधिनियम को पास किया गया था। यह अधिनियम नरेगा के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, नरेगा के नाम से भी जानते हैं। इसके अनुसार केवल 200 जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले श्रमिकों को यह विश्वास दिलाया गया कि काम न मिलने पर उन्हें वर्ष में 100 दिन जो है सो 100 दिन के लिए जो है सो रोजगार की गारंटी दी जाती है। ये जो बनाया गया था अधिनियम, इसमें जो है सो श्रमिकों को यह विश्वास दिलाया गया था कि काम न मिलने पर भी जो है सो उन्हें 100 दिन का जो है सो काम न मिलने पर भी उन्हें 100 दिन के लिए रोजगार की जो है सो इसमें गारंटी जो है सो दी गई थी। यदि जो है सो रोजगार यहाँ पे नहीं मिलेगा तो सरकार उसकी पूर्ति करेगी और उन्हें बेरोजगारी भत्ता भी जो है सो इसके लिए दिया जाएगा। ये प्रावधान जो है सो ये वाला अधिनियम में केंद्र सरकार के द्वारा जो है सो लाया गया था। इस नियम के अंतर्गत सरकार उस प्रकार के जो है सो कामों में वरीयता देगी जिससे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी। तो ये उद्देश्य के साथ जो है सो केंद्र सरकार ने 2005 में नरेगा को जो है सो स्थापित यहाँ पे अधिनियम को पारित किया था। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे है कि शहरी क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि कैसे की जा सकती है। जो शहरी क्षेत्र है वहां पे रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आखिर मतलब कि क्या कर सकते हैं, इसको जो है सो बताना है। तो शहरी क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि के नियम निम्न प्रकार से की जाती है, इस प्रकार से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला लिखेंगे कि उत्पादन की श्रम गहन तकनीकों को अपनाया जाना चाहिए। दूसरा, लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तीसरा नंबर, विद्युत आपूर्ति कच्चे माल और यातायात से संबंधित समस्याओं को दूर किया जाना चाहिए, जिससे जो उद्योग क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं वे जो है सो अपने पूर्ण क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया। फोर्थ नंबर पॉइंट लिखिएगा क्या है, हमारे शिक्षा प्रणाली के पाठ्य पुस्तक में रोजगार संबंधी बातों को जोड़ा जाए, व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। अगला पॉइंट नंबर फाइव, सरकार को चाहिए कि वह ऋण प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं प्रदान करके स्वरोजगार को बढ़ावा दें या उसको प्रोत्साहित करें। इसके बाद सिक्स नंबर, विशेषकर पर्यटन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी जैसे सेवा क्षेत्र में रोजगार की व्यापक संभावनाएं हैं, इन क्षेत्रों में समुचित आयोजन और सरकारी सहायता की आवश्यकता है। इसके बाद अगला सिक्स नंबर पॉइंट, सरकार द्वारा बनाए गए रोजगार से संबंधित अधिनियम एवं कार्यक्रमों को खुद लगन एवं ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए। तो ये कुछ जो है सो महत्वपूर्ण पॉइंट्स था जिसके द्वारा जो है सो शहरी क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि की जा सकती है। ये वाला कुछ पॉइंट्स का अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो इसके द्वारा जो है सो कुछ हद तक जो है सो शहरी क्षेत्रों में रोजगार में जो है सो वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्रश्न है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं। खुली बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी के बीच अंतर बताना है कि खुली बेरोजगारी क्या है और प्रचंड बेरोजगारी क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। तो खुली बेरोजगारी जो है सो यहाँ पे समझिएगा, इस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत मतलब कि खुली बेरोजगारी के अंतर्गत लोग पूर्णतः बेरोजगार होते हैं, मतलब कि खुली बेरोजगारी में जो लोग होते हैं वे पूरी तरह से क्या होते हैं, बेरोजगार होते हैं, जबकि प्रचंड बेरोजगारी में जो है सो वास्तव में वे बेरोजगार नहीं होते हैं, वे जो है सो वास्तव में बेरोजगार नहीं होते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पे खुली बेरोजगारी में देखिएगा, यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या करता है कि इसमें
इसके अंतर्गत भी जो है सो व्यक्ति को काम उपलब्ध नहीं होता है। मतलब कि ये जो है सो कह रहा है कि जो खुली बेरोजगारी होता है उसमें व्यक्ति के लिए जो है सो कोई भी यहाँ पे काम जो है सो उपलब्ध नहीं होता है, जबकि प्रचंड बेरोजगारी के अंतर्गत किसी काम के लोग इसी काम में प्रचंड बेरोजगारी में क्या होता है कि इसमें एक ही काम में जो है सो जरूरत से ज्यादा मतलब कि वहां पे मजदूर काज कर रहे होते हैं और इस तरह से वे क्या होते हैं प्रचंड बेरोजगारी के श्रेणी में आ जाते हैं। वे एक तरह से रोजगार में होते हैं फिर भी जो है सो वो क्या होते हैं बेरोजगार होते हैं। मतलब कि हम जो है पिछले वीडियो में समझाए थे कि प्रचंड बेरोजगारी क्या है, जैसे हम एग्जाम्पल लिए थे कि जैसे खेती के क्षेत्र में आप देखे होइएगा कि वहां पे अगर 10 व्यक्ति काज कर रहे हैं तो जो उत्पादन हो रहा है, मान लीजिए 10 व्यक्ति काज कर रहे हैं और वहाँ पे गेहूं का उत्पादन में जो है सो 10 क्विंटल मान लीजिए गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं 10 व्यक्ति मिलकर, ठीक है। अगर 5 व्यक्ति उसमें से कम हो जाते हैं फिर भी गेहूं के उत्पादन में कोई भी फर्क नहीं आता है, बल्कि 10 क्विंटल का उत्पादन अभी भी हो रहा है। तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि वहां पे जो 5 व्यक्ति काज कर रहे हैं वो जो है सो प्रचंड बेरोजगारी के अंतर्गत आएंगे। तो ये चीज को आपको समझना है। आगे बढ़ेंगे, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि खुली बेरोजगारी में औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है। ये खुली बेरोजगारी जो है सो औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है, जबकि प्रचंड बेरोजगारी अभी भी हम बताएं कि कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट फोर्थ नंबर, खुली बेरोजगारी में बेरोजगार लोगों की गणना स्पष्ट रूप से की जा सकती है। जो खुली बेरोजगारी है इसमें जो बेरोजगार है उसकी गणना जो है सो आसानी से किया जा सकता है, जबकि यहाँ पे प्रचंड बेरोजगारी में अगर हमको गणना करना हो गया तो हम जो है सो स्पष्ट रूप से गणना नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सभी कार्य में लगे होते हैं और हम ये नहीं कर सकते हैं कि ये जो है सो बेरोजगार है या फिर इस तरह से जो है मतलब यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं कि ये बेरोजगार बैठे हैं, क्योंकि वे काम में लगे होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इसका जो है सो गणना करना यहाँ पे आसान नहीं है, ये काफी कठिन है, ठीक है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि सकल घरेलू उद्योग से क्या समझते हैं, सकल घरेलू उद्योग से आप क्या समझते हैं। तो क्या है सकल घरेलू उद्योग, ये जो है सो जो तीनों क्षेत्र है हमारा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, इनके जो उत्पाद होते हैं जितने तरह के उत्पादन होते हैं उनके योगफल को जो है सो हम लोग क्या कहते हैं, उनके जोड़ को हम लोग जो है सो सकल घरेलू उद्योग जो है सो इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा। जो भी हमारा जो क्षेत्र है यहाँ पे तीनों जो क्षेत्र है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र में जो भी उत्पादन होता है सभी का योगफल को हम लोग बोलते हैं सकल घरेलू उद्योग, ठीक है। इसके बाद अगला यहाँ पे आ गया एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न, वो क्या कहता है निजी क्षेत्र किसे कहते हैं। तो जिन क्षेत्रों की परिसंपत्तियां एवं सेवाएं किसी विशेष व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है, जिन क्षेत्रों की परिसंपत्तियां किसी विशेष व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है ऐसे क्षेत्रों को निजी क्षेत्र कहा जाता है। उदाहरण के लिए टाटा कंपनी को हम लोग ले लेते हैं, टाटा जो आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी है वो जो है सो क्या है, एक विशेष मतलब एक निजी व्यक्ति का वो है, तो इस तरह से उसको हम लोग जो है सो निजी क्षेत्र में रखते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे देखेंगे एक और प्रश्न है वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं। जब कोई भी वस्तु का लेन देन होता है और इसके लिए जो है सो समझेगा यहाँ पे क्या करता है वस्तु विनिमय, जब कोई भी वस्तु का लेन देन हो जाता है और यहाँ पे किसी भी तरह का यहाँ पे मतलब मुद्रा का प्रयोग नहीं होता है वस्तु के लेन देन में, इस तरह से इसको समझे कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु का हम लोग लेन देन कर रहे हैं और हम जो है वस्तु के बदला में वस्तु दे रहे हैं, यहाँ पे पैसा का हम लोग जो है सो वहाँ पे लेन देन नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे जो है सो हम लोग जैसे कि बाकी और भी जो हम लोग सामान खरीदते हैं उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए जो है हम लोग पैसा पे करते हैं, कोई भी अगर दुकान में किसी भी सामान के लिए हम लोग पैसा पे करते हैं। लेकिन वैसा मतलब कि हम लोग जो है सो वस्तु का जो है सो एक वस्तु जो है सो हम दूसरे व्यक्ति को दे दिए और उससे जो है सो कोई और वस्तु हम ले लेते हैं, जैसे कि गांव में क्या होता है कि किसी के घर में चावल है, ठीक है, तो वो चावल जो है सो दे देगा, उसके बदले में वो जो है सो क्या ले लेगा, सपोज करते हैं कि दाल ले लेता है उसके बदले में, तो यहाँ पे वस्तु का जो है सो आपस में क्या होता है लेन देन होता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं वस्तु विनिमय को, ठीक है। इसके बाद एक और प्रश्न देख लेते हैं, हाँ ये देखते हैं चेक क्या होता है, हम लोग चेक जानते हैं चेक क्या होता है इसको जो है सो देख लेते हैं, ठीक है। चेक एक प्रकार का ऐसा कागज होता है जो बैंक एक किसी भी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम भुगतान करने का आदेश देता है। आसान भाषा में एकदम चेक जो है सो क्या होता है, एक ऐसा कागज होता है, मतलब एक तो सामान्य कागज नहीं होता है, वो एक असामान्य कागज होता है, और ये जो है सो किसी भी जैसे बैंक का कोई खाता धारक है उसके जो है सो
नाम से अगर यहाँ पे वो चेक है और उसका जो यहाँ पे अगर मान लीजिए वो रकम भर के देता है, मान लीजिए कि 50,000 का रकम भर के देता है, तो वो जो रकम भर के देता है अपने चेक में और हमें देता है, तो हम उसको जो है जमा करेंगे जब बैंक में, तो वो जो रकम है 50,000 वो उसके खाते से क्या होगा डिक्रीज कर जाएगा और मेरे खाते में क्या हो जाएगा वहां पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से जो है चेक से हम लोग लेन देन करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग चेक को समझ सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा जरूर, और आज की इस वीडियो में जो है सो हम लोग इतना ही क्वेश्चंस को रख रहे हैं। आगे नेक्स्ट जो वीडियो फोर्थ नंबर वीडियो आएगा उसमें और भी आगे जो प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर अवश्य कीजिएगा, और अभी तक जो है सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।